दोस्तों नमस्कार, मैं क्षितिज कांत। इस समय राजधानी लखनऊ के 171 विधानसभा में, जैसा कि आप जान रहे हैं, 2022 का चुनाव बिल्कुल नजदीक है। 10 दिन से कम का समय बचा हुआ है और वोटर अपना मूड बना चुका है वोट देने के लिए। इस समय 171 विधानसभा का आपको इतिहास बता दूं तो यहां से 2012 में समाजवादी पार्टी पहले नंबर पे होती है और विधायक यहां से बनते हैं मोहम्मद रेहान, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी से दूसरे नंबर पे सुरेश कुमार श्रीवास्तव। यही समीकरण 2017 में बदलता है, भारतीय जनता पार्टी से सुरेश कुमार श्रीवास्तव पहले नंबर पे होते हैं और मोहम्मद रेहान दूसरे नंबर पे। और इस बार बता दूं 2022 में फिर से चुनाव और समाजवादी पार्टी से जो प्रत्याशी हैं मेरे बगल में बैठे हुए हैं अरमान खान, और इस बार लगातार धरातल पे लगातार वर्क कर रहे, पब्लिक के बीच में जा रहे हो। पब्लिक के बीच में जब मैं जाता हूं तो इनका नाम कहीं ना कहीं मुझे सुनने में आता है, तो इनसे बात करूंगा क्षेत्र के मुद्दे पे। और क्षेत्र के जनता जब मुलाकात करते हैं तो क्षेत्रीय जनता सबसे पहले इनसे क्या बात करती, सबसे पहले मैं बात करता हूं। आप बताइए, जब क्षेत्रीय जनता जब आप मुखातिब होते हैं, जब मुलाकात करते हैं, तो वो आपसे किन मुद्दों पर सबसे ज़्यादा बात करती है? मैक्सिमम लोगों से आप मिल चुके हैं अब तक। आजकल एक गाना आपने बहुत सुना होगा जी, जनता पुकारती है अखिलेश आइए, तो जनता सबसे पहले यही कहती है कि अखिलेश जी को लाइए, अखिलेश जी आइए। और बाकी जो क्षेत्र के विकास और खुशहाली की जो डोर टूटी हुई है, उस डोर को जोड़ने की बात करती है, हम लोगों की तरफ उम्मीद की नज़रों से देखती है। और निश्चित तौर पर 10 मार्च 2022 को उनकी सारी उम्मीदें पूरी होने को है। ये तो बात होती, लेकिन किन मुद्दों पे इस बार वोट करने जा रही जनता? कुछ बताती तो होगी, ये तकलीफें रही या ये सरकार में ये चीज़ें होनी चाहिए, ये चीज़ें नहीं हुई हैं, कुछ तो बोलती होगी। बिल्कुल, बेशक बोलती है। जो वर्तमान सरकार के कार्यकाल में जिस तरह के कष्टों का सामना, अलग अलग तरह के कष्टों का सामना, भीषण समस्याओं का सामना जो जनता ने किया है, जनता उससे त्रस्त हुई है और सत्ता परिवर्तन का मूड पहले से बना के बैठी है। वो चाहे महंगाई की समस्या हो, वो चाहे बेरोजगारी की समस्या हो, वो चाहे नफरत की राजनीति जो हो रही थी इस प्रदेश में हो रही है, उसको उसके खात्मे की बात हो, जनता कमर कस के बैठी है। बाकी स्थानीय मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे वो हम लोग के संज्ञान में, जो कि पिछले 10 वर्षों से हम लोग जनता के बीच में हैं, जनता की अदालत में हैं, और जनता के लिए जो हमारी जिम्मेदारियाँ हैं बतौर एक जनसेवक और विधायक के रूप में, जब एक हम लोग को जिम्मेदारी मिलेगी तो विधायक के रूप में भी हम लोग उस जिम्मेदारी को पूरी तरीके से निभाने का प्रयास करेंगे। अच्छा, मैं आपके क्षेत्र की बात करूं फरीदीपुर की, कुछ समय पहले मैं 3 से 4 महीने पहले जब कवरेज करता हूं, जब बारिश होती है तो वहां एक जल भराव की समस्या बहुत बड़ी है, और लगातार वहां पर जब क्षेत्र में दोबारा जब मैं कवरेज करने गया, पब्लिक के बीच में गया, तो अभी तक के वो खत्म नहीं। तो विधायक बनने के बाद सबसे पहला काम उस क्षेत्र के लिए क्या करने वाले? देखिए, सड़क का निर्माण उस क्षेत्र में जल भराव की समस्या से निजात दिलाना, साथ साथ जो एक समुचित विकास होना चाहिए, पीने के पानी की समस्या भी है, वहाँ पे सीवर लाइन भी वहाँ पर नहीं पड़ी है, तो ये सब चीज़ें हम लोगों के संज्ञान में है। और निश्चित तौर पे हम लोगों को अवसर मिलेगा तो हम लोग इन समस्याओं पर सिर्फ फरीदीपुर में ही नहीं, बल्कि इस क्षेत्र के तकरीबन हर इलाकों में जहाँ जहाँ इस तरह की परेशानियाँ हैं, वो लंबे दूर करने का काम करें। चलिए, मैं न्यू हैदरगंज की बात करता हूँ। न्यू हैदरगंज भी आपके क्षेत्र में आता है, एक बड़ा मुस्लिम वर्ग वहाँ पर रहता है, और ये NRC जैसे समय में वहाँ पर वो लोगों ने भी काफ़ी परेशानियाँ झेली, तो आपसे उन लोगों ने क्या बात करी? देखिए, यहाँ पर कोई विशेष धर्म या वर्ग या भाषा बोलने वालों की बात नहीं है। निश्चित तौर पर वर्तमान सरकार के कार्यकाल में जनता का हर वर्ग जो है वो परेशान रहा है, और वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सब मिल करके कमर कस के बैठे हैं सरकार को बदलने के लिए, सरकार को वापस भेजने के लिए। न्यू हैदरगंज में की बात मैंने इसलिए की क्योंकि उस क्षेत्र में आपका एक बड़ा वोट बैंक है, आपका एक तरीके से कह सकते हैं फरीदीपुर, ये जो न्यू हैदरगंज एक गढ़ है आपका। देखिए, ऐसा कि समाजवादी पार्टी यहाँ की जनता की प्राथमिकता है, पसंद है जी। मैं मानता हूँ कि समय समय पर कुछ ऐसे कारण होते हैं कि विरोधी दल राजनीतिक स्वार्थ के चलते बहकाते हैं, जिसकी वजह से जनता का कोई एक विशेष वर्ग बहकता है, लेकिन आज का ये चुनाव, ये वर्तमान चुनाव सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दे पे हो रहा है। जनता को बहकाना असंभव है, नामुमकिन है, और निश्चित तौर पे जनता मूड बना चुकी है और ये समझ चुकी है कि उसे क्या करना है वर्तमान चुनाव में। चलिए, ये तो समझ गया। एक आपका क्षेत्र पड़ता है जब पारा से, आप दोबारा से मैं पूछ कह रहा हूँ, ये पारा से जब आप बढ़ते हैं राजेपुरम की तरफ, तो वहाँ एक बड़ा ब्राह्मण वर्ग रहता है, उनके बीच में जब आप जाते हैं तो वो किन मुद्दों से पे आपसे बात करते हैं? वो क्षेत्रीय समस्याओं की बात करते हैं, अपने जो समाज है उस समाज के मान और सम्मान की बातें करते हैं। निश्चित तौर पे हम लोग को अवसर मिलेगा तो हम उनके मान सम्मान की रक्षा करने का प्रयास भी करेंगे और उनके क्षेत्र का विकास भी करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, समय तो बहुत कम मिला है, जिन क्षेत्र में नहीं पहुँच पाए हैं उनके लिए आपका क्या संदेश होने जा रहा है? मैं कहना चाहूँगा कि इस विधानसभा का प्रत्येक निवासी,
इस विधानसभा में टोटल वोटरों की संख्या लगभग 4,38,000 है। मैं उन 4,38,000 विधानसभा निवासियों को ये संदेश देना चाहूँगा कि अगर मैं किसी कारण से समय की कमी की वजह से अत्यधिक व्यस्तता की वजह से मैं पहुँच नहीं सका हूँ तो वो इस बात का विश्वास रखें कि वो मेरे अपने हैं, मेरे दिल के अंदर हैं, मेरे मन की गहराइयों पे हैं और हम उनसे मिले या न मिले, विधायक बनने के बाद, अवसर मिलने के बाद निश्चित तौर पर ये विश्वास रखें कि हम उनके लिए भी काम करने के लिए कृत संकल्प हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे से छूट रहा था, स्लिप कर रहा था। पब्लिक के बीच में जब जाता हूँ तो वो कोरोना काल की बात जब आती है तो कहते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर्स प्रोवाइड कराने का काम आप कर रहे थे, ऑक्सीजन प्रोवाइड कराने का काम कर रहे हैं जिस समय ऑक्सीजन कहीं नहीं मिल रही थी। तो ऐसी जनता जब दोबारा जब मुखातिब होते हैं तो क्या उसका कुछ बात बीच में आती है क्या? लेकिन निश्चित तौर पर अच्छे कामों की खुशबू अपने आप फैलती है और जो हम लोग ने कार्य किया वो कार्य खैर हम लोग ने पुण्य कमाने के लिहाज से, सवाब कमाने के लिहाज से किया है। आज जो ऊपर वाले ने हम लोगों को ये मौका दिया, अवसर दिया, वो भी ऐसे अच्छे कामों के बदौलत दिया है, जो हज़ारों सैकड़ों लोगों की दुआओं के बदौलत मौका दिया है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर आप अच्छे काम करते हैं तो उसका फल आपको एक ना एक दिन ज़रूर मिलता है। चलिए, सबसे लास्ट मैसेज अपनी क्षेत्र की जनता के लिए जो सोच करके 23 तारीख को वोट देने जाएगी। सबका काम, सबका सम्मान, सबके अखिलेश, सबके अरमान। मैं जनता से निवेदन करता हूं कि सबके अखिलेश और सबके अरमान और सबके समाजवादियों के साथ में आइए, हमारे साथ इस क्रांति के सहभागी बनिए और इस विधानसभा में परिवर्तन करें और साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में परिवर्तन करें। तो आप सुन रहे थे अरमान खान को, जिनसे मैं लगातार बात कर रहा, तमाम क्षेत्रीय मुद्दों पर मैंने बात करी और इन्होंने साफ कर दिया है कि जब विधायक बनेंगे तो पहला काम यहाँ पे क्षेत्र में क्या करने वाले हैं। ऐसे ही धरातल से जुड़े हुए मैं नेताओं से आपको मिलाऊंगा और पब्लिक के बीच में जिनका नाम आता रहेगा उनके पास जरूर जाऊँगा। जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ, मैं हूँ क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। एक गुजारिश आप सभी जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया वो सब्सक्राइब जरूर कर दें और ये वीडियो जितना ज़्यादा हो सके शेयर जरूर करें। धन्यवाद।